हेलो एफरी वन वेलकम टू माई चैनल कोर्टसोरी विथ माइक तो आज अपने हीप के प्लेलिस्ट का आ, वीडियो नंबर सेवनटीन करने जा रहे हैं लीडकोड नंबर थ्री वन सेवन जीरो मीडियम मार्क्ड है और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर देखो देखा जाए तो एक दो चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है कॉर्नर केसेस पे ध्यान देना है फिर ये प्रॉब्लम आप, आपको बन जाएगा ठीक है तो बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं उस एग्ज़ाम्पल से ही आप फ़िगर आउट कर लोगे आधा से ज़्यादा कि क्या अप्रोच इसमें लगाना चाहिए यू आर गिवन स्ट्रिंग एस इट मे कंटेन एनी नंबर ऑफ एस्ट्रेस कैरेक्टर आपको जो स्ट्रिंग एस दे रखा होगा उसमें एस्ट्रेस कैरेक्टर्स हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स ओके योर टास्क इज टू रिमूव ऑल दी एस्ट्रेस करेक्टर सारे एस्ट्रिक करेक्टर को रिमूव करना है लेकिन जब भी आप किसी भी एस्ट्रिक करेक्टर को रिमूव करोगे तो आपको क्या करना है पहले तो डिलीट द लेफ्ट मोस्ट एस्ट्रिक करेक्टर एंड द स्मॉलेस्ट नॉन एस्ट्रेस करेक्टर टू इट्स लेफ्ट जैसे यहाँ पर देखो ये एस्ट्रेस दिखा आपको इसके जैसे आप कोई आप इसको रिमूव करोगे इसके लेफ्ट मोस्ट में स्मॉलेस्ट नॉन एस्ट्रेस कैरेक्टर कौन सा दिख रहा है ए दिख रहा है मुझे है ना नॉन एस्ट्रेस्ट और स्मॉलेस्ट करेक्टर कौन दिख रहा है ए दिख रहा है तो आपको ए को डिलीट करना है तो इसने इस ए को डिलीट किया तो हमारा आंसर ए ए आ गया ठीक है इफ़ देर आर सेवरल स्मॉलेस्ट करेक्टर जैसे देख लो यहाँ पर सेवरल स्मॉलेस्ट करेक्टर है एक ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो आप किसी एक को भी डिलीट कर सकते हो तो यू कैन डिलीट एनी वन ऑफ देम रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट रिजल्टेंट स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल रिमूविंग ऑल एस्ट्रिक्स करेक्टर्स ठीक है तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर मैं सीट्रेट कर रहा था मुझे यहाँ पर एस्ट्रिक्स दिखा तो मुझे करना क्या है एस्ट्रिक्स के लेफ्ट साइड में यानी कि इस साइड में स्मॉलेस्ट करेक्टर जो भी है मुझे डिलीट करना है तो देखो यहाँ पर मल्टीपल स्मॉलेस्ट करेक्टर है ना स्मॉलेस्ट करेक्टर कौन सा है ए है ना लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो क्वेश्चन में तो दे रखा कि किसी को भी डिलीट कर सकते हो यू कैन डिलीट एनी वन ऑफ देम बट एक्चुअली में ये कन्फ्यूज़ करने के लिए था आइडियली आपको डिलीशन थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा ताकि आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्ड मिले ठीक है जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है या तो आप इसको डिलीट करते ए ए बी ए है इसको डिलीट करते या तो आप ए ए बी ए में इसको डिलीट करते या तो आप ए बी ए में इसको डिलीट करते तो देखो डिलीट करने के बाद सब में कौन कौन सा स्ट्रिंग मिल रहा है इसमें मिलता है ए बी ए इसमें मिल रहा है ए बी ए इसमें मिल रहा है ए ए बी तो तीनों में स्लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन है ये है ठीक है ये मुझे कब मिला जब मैंने राइट मोस्ट ए को डिलीट मारा है ना राइट मोस्ट ए को ठीक है तो ऑब्वियस ये बात है आप सबसे आप जो सबसे स्मॉलेस्ट करेक्टर है उसको आप स्टार्टिंग में रखना चाहोगे राइट लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट साइड में रखना चाहोगे तभी तो आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वर्ड मिल पाएगा तो बेस्ट आप ये कर सकते हो कि जो भी स्मॉलेस्ट करेक्टर है जैसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट करेक्टर ए दिखा मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट बी है बट अभी सेकेंड स्मॉलेस्ट मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पास एक ही एस्ट्रेस के अभी ठीक है फर्स्ट स्मॉलेस्ट जो भी मुझे दिख रहा है तो मैं उसमें से डिलीट उसको करूँगा जो राइट मोस्ट में प्रेजेंट है जैसे मैंने ए को डिलीट मारा ठीक है ताकि लेफ्ट मोस्ट में ए प्रेजेंट रहे स्मॉलेस्ट करेक्टर ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा मुझे लेक्सीोग्राफली स्मॉलेस्ट वर्ड मिल जाएगा ठीक है इसीलिए यहाँ पर दिमाग लगाकर इसको डिलीट किया गया है तो देखो ए ए बी मिल गया आपको ओके एक और एग्जांपल देखते हैं ई e ए डी एस्ट्रेस है तो जैसे ही मुझे एस्ट्रेस दिखा मैं लेफ्ट साइड गया मैंने ढूंढा सबसे छोटा करेक्टर कौन सा है सबसे छोटा करेक्टर ए दिख रहा है मुझे और यहाँ इसके अलावा यहाँ पर कोई और ए है भी नहीं तो मैंने बस ए को डिलीट मारा ई e डी मेरा आंसर है यहाँ तक क्लियर है तो देखते हैं इसका थर्ड प्रोसेस क्या होगा बहुत सिंपल सा थर्ड प्रोसेस से हम चलेंगे एकदम बिगिनिंग बिगिनर लेवल से जैसे यहाँ पर देखो आप यहाँ पर हो ये एस्ट्रिक्स है नहीं यहाँ पर हो एस्ट्रिक्स नहीं है यहाँ पर आए यहाँ पर आए यहाँ पर आए तो एस्ट्रिक्स मिला तो मैंने आपको क्या बोला था कि आइडियली आपको पता होना चाहिए कि आपके लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट करेक्टर कौन है तो एक तरीका तो ये है कि ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि आप इससे लेफ़्ट साइड में जाओ और सबसे पहला स्मॉलेस्ट करेक्टर जो है उसी को डिलीट कर दो बट आपको पता भी होना चाहिए ना कि स्मॉलेस्ट करेक्टर कौन है है ना अभी तक तो आपको पता ही नहीं है तो आप बार बार ऐसे इटरेट करके जब जब आपको एस्ट्रेस मिलेगा तब तक तो आप लेफ्ट साइड स्ट्रेट मारोगे तो वो तो ब्रूट फोर्स सोलूशन हो जाएगा वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा आपका है ना और वो ब्रूट फोर्स सोलूशन एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा वो कंस्टेंट भी हाई है आपका तो एक्सेप्ट नहीं होगा है ना टीयरली आ जाएगा तो आइडियली हमें हमें क्या करना चाहिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट रिवर्सल मार रहे हैं तो आपने जो जो स्मॉलेस्ट करेक्टर देखे हैं उसको स्टोर कर लो कहीं पर ठीक है तो जैसे मान के चलते हैं आप यहाँ पर थे आपने देखा कि ये ए है तो स्मॉलेस्ट करेक्टर अभी आपको यही दिखा है तो आपने ए को स्टोर कर लिया उसके बाद जब आप आगे बढ़े यहाँ पर तो फिर से ए दिखा तो ये भी स्मॉलेस्ट करेक्टर है तो आपने ए को डाल दिया फिर यहाँ पर एक और दिखा तो ये स्मॉलेस्ट करेक्टर तो नहीं है बट सेकेंड स्मॉलेस्ट करेक्टर है हो सकता है जब स्मॉलेस्ट करेक्टर सारे के सारे डिलीट हो जाए तो उसके बाद का स्मॉलेस्ट करेक्टर ये बी होगा राइट है ना इसीलिए आपको इसको भी स्टोर करना पड़ेगा लेकिन आपको इस तरह स्टोर करना पड़ेगा कि ये ए के बाद आए राइट तो यहाँ इधर मैं बी को स्टोर करूँगा है ना ताकि स्मॉलेस्ट करेक्टर ए ये डिलीट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट करेक्टर ये खुद ए डिलीट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेट करैक्टर बी आएगा ना इसीलिए देखो तो बी को मैंने पीछे रखा है यहाँ पर उसके बाद आई जब मेरा यहाँ पर है तो फिर से मुझे एक ए दिखा अब देखो मुझे एस्ट्रिक्स जब मिल रहा है यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा सबसे स्मॉलेस्ट करेक्टर डिलीट कर मारूँगा तो मैं इसको डिलीट मारूंगा ए को डिलीट मारूंगा ना ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया तो आइडियली अब स्मॉलेस्ट करेक्टर अब अब देखो अब जैसे ही एस्ट्रिक्स दिखा तो आप डिलीट किसको करोगे स्मॉलेस्ट करेक्टर को जो कि फ़्रंट में है आपका तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपको स्टोर करना चाहिए जो आपको ओवन टाइम में स्मॉलेस्ट करेक्टर दे दे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है हीप है ना स्मॉलेस्ट करेक्टर चाहिए या तो देखो आपको या तो लार्जेस्ट एलिमेंट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर आपको चाहिए होता है ओवन टाइम में तो हमेशा हीप के बारे में सोचा करो है ना यहाँ से फिगर आउट हमने किया कि अच्छा ये हीप का प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हीप का यूज़ करके देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ओके अब देखो ध्यान देना आई यहाँ पर है मैंने देखा ए है तो मैंने हीप में ए को डाल दिया ठीक है फिर आ, ये मिन हीप है मेरा फिर ए को यहाँ डाला फिर आई यहाँ पर आया तो ये बी है तो अब वैसे बात है बी बड़ा है तो नीचे आ जाएगा ये मिन हीप है तो छोटे एलिमेंट्स ऊपर होंगे फिर यहाँ पर ए है ये यह ए यहाँ पर आ गया ठीक है और फिर आई यहाँ पर आया तो मैंने देखा एस्ट्रस्क है तो मैं क्या करूँगा कि मैं एस्ट्रिक्स खाना तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये मिन हीप है तो टॉप में सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रेंट होगा तो मैं पॉप कर दूंगा इसको तो ये ए पॉप हो गया अब आई मेरा आगे गया तो आउट ऑफ बाउंड हो गया मैं मिन हीप से सारे करेक्टर्स निकाल लूँगा ए ए बी अब देखो तो यही मेरा आंसर भी था है ना ए ए बी ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है देखो ये मैंने सबसे बिगनर लेवल का थाट प्रोसेस समझाया आपको क्या ये करेक्ट सोल्यूशन है आंसर तो करेक्ट आ रहा है बट एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल ठीक है देखते हैं कि हमारा अप्रोच सही है कि नहीं अब देखो यहाँ पर ध्यान दो आ, ये वाला एग्जाम्पल ही मैंने खुद से बनाया है एग्ज़ाम्पल ठीक है देखते हैं सेम तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो बनता है कि नहीं आई यहाँ पर है मैंने ई को यहाँ डाल दिया अभी स्मॉलेस्ट मेरे लिए यही है ठीक है अब मेरा आई यहाँ पर है अभी ये ए है तो मेरे लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अभी ये नहीं अभी मेरा स्मॉलेस्ट ये होगा टॉप पर ये जाएगा मेन ही पर ठीक है अब आई ये आ गया तो डी है ना तो ऑबसे है डी ए ऊपर आएगा उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन है डी है उसके बाद स्मॉलेस्ट uh, कौन e है ई है ठीक है अल्फ़ाबेट में ऐसे ही होता है ना ए बी सी डी ई मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ए होता है उसके बाद डी होता है उसके बाद ई e होता है, है ना तो इसके बाद आई मेरा कहाँ आया आई मेरा एस्ट्रिक्स पर आया तो मैं सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट को डिलीट करना चाहूँगा तो मैंने ए को डिलीट मार दिया ठीक है अब देखते हैं मैंने मीन हीप से निकाला सारे करेक्टर को तो मेरा क्या आंसर आता है डी ई e. मेरा आंसर आ रहा है डी ई e. क्या करेक्ट आंसर है नहीं करेक्ट आंसर नहीं है आपका आंसर ई डी होना चाहिए था क्योंकि देखो ये आपने जब ए को डिलीट मारा तो ऑर्डर ये है ना पहले ई उसके बाद डी आपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया यहाँ पर ठीक है इंडेक्स ही चेंज कर दिया आंसर हमारा क्या था ई था हमारा आंसर ठीक है तो मिन हीप की वजह से एक प्रॉब्लम तो हो रही है कि हमारा इंडेक्स चेंज हो जा रहा है मतलब इंडेक्स लॉस्ट हो जा रहा है ना पहले देखो आपने डी को लिख दिया ठीक है तो ये गलत आंसर हो गया तो इसको फिक्स करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप इंडेक्स स्टोर कर लो यहाँ पर यहाँ पर इंडेक्स स्टोर कर लो जैसे इसको दोबारा से करते हैं दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको यहाँ पर इंडेक्स स्टोर कर लेंगे तो इससे देखो हमारा फ़ायदा क्या होगा इंडेक्स स्टोर करने से कि इंडेक्स हमारा लॉस्ट नहीं होगा मान लेते आई यहाँ पर है मुझे सबसे स्मॉलेस्ट क्रैक्टर अभी यही दिख रहा है तो मैंने डाल दिया ई e है इसका इंडेक्स ज़ीरो था ठीक है उसके बाद आई यहाँ पर आया तो मुझे ए दिखा सबसे स्मॉलेस्ट अभी मुझे ये दिख रहा है ए इसका इंडेक्स वन है ठीक है उसके बाद आई जब यहाँ पर आया तो इंडेक्स देखो डी ए तो ऑबसे ये ए वन ऊपर चला जाएगा ठीक है और यहाँ पर डी है इसका इंडेक्स नंबर टू था ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो स्मॉलेस्ट करेक्टर के हिसाब से सॉर्ट तो हो गया देखो ए उसके बाद डी उसके बाद ई बट इंडेक्स अभी भी मेरे पास है है ना स्टोर्ड है मेरे पास इंडेक्स अब आई देखो जब यहाँ पर आएगा तो मैं सबसे टॉप वाले को डिलीट मारूंगा तो मैंने इसको डिलीट मार दिया ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब देखो जिसको मैंने डिलीट मारा है ना मैंने किसको डिलीट मारा है एक कॉमा वन को डिलीट मारा है इसका मतलब क्या हुआ इंडेक्स वन वाला एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो मैं क्या करूँगा इंडेक्स नंबर वन पर जाऊँगा और यहाँ पर ना डिलीट करने के लिए सिंस ये डिलीट हो चुका तो मैं इसको कुछ भी मार्क कर दूँगा मतलब इसी को एस्ट्रिक्ट बना देता हूँ इसको एस्ट्रिक बना देता हूँ इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस एस वाले स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर वन वाले करेक्टर को डिलीट कर दिया था ठीक है क्योंकि वो मेरा स्मॉलेस्ट करेक्टर था अब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हुआ ठीक है तो मैं हीप से आंसर नहीं निकालूंगा अब ठीक है मैं इस एस से ही निकाल लूँगा आंसर देखो एस पे ध्यान दो एस में सबसे पहला करेक्टर कौन है ई e है एस पे दूसरा करेक्टर कौन है एस्ट्रेस uh, का याद करो मैंने ए में एक ही जगह एस्ट्रेस लिख दिया था तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं है ना उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर कौन है डी है तो डी हो गया उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर कौन है करेक्टर कौन है एस्ट्रेस तो मैं लिखूंगा ही नहीं उसको तो मेरा आंसर देखो ए डी आ गया ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पर हमने मिन हीप का दो तरीके से इस्तेमाल किया पहला तरीका पहला फ़ायदा क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट कैरेक्टर हम आसानी से ढूंढ पा रहे हैं ओवन टाइम में ठीक है बट स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ढूंढने के चक्कर में इंडेक्स लॉस्ट हो जा रहा था तो हमने क्या किया स्टोर इंडेक्स ऑल्सो हमने इंडेक्स को स्टोर भी कर लिया ठीक है इंडेक्स को स्टोर कर लिया तो इंडेक्स को जब स्टोर किया तो जो बंदा डिलीट हुआ है ना उस इंडेक्स पे जाके एस्ट्रेस मार्क कर दिया ठीक है दोबारा से फिर हमने एस पेट पे ए करके एस्ट्रेस के अलावा जितने कैरेक्टर्स बचे हैं उसको हम ना हमने रिजल्ट में डाल दिया ये मेरा रिजल्ट हो गया ठीक है तो देखते हैं ये हर एग्ज़ाम्पल में ये चीज़ काम करेगा कि नहीं है ना दोबारा से एक और एग्जाम्पल में सेम चीज़ ड्राई रन करते हैं जितना ड्राई रन करोगे उतना क्लैरिटी आएगा ओके तो देखो एक और ड्राई रन करते हैं बट ये वाला ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा पहला एग्जाम्पल है उसी को मैं ड्राई रन कर रहा हूँ दोबारा ठीक है ए ए बी है ये मेरा मिन हीप है ठीक है सबसे पहले मुझे ये ए दिखा मैंने क्या किया ए को यहाँ पर डाल दिया इंडेक्स नंबर जीरो का है ये राइट कैरेक्टर और इंडेक्स दोनों डाल रहा है याद रखना ये मिन हीप है और उसके बाद आई यहाँ पर है दोबारा एक ए आया ठीक है तो देखना ए यहाँ पर है इंडेक्स नंबर वन पर है अब देखो मिन हीप है ना तो मिन हीप क्या करेगा जो एलिमेंट सबसे छोटा होता है उसको टॉप पर रखता है तो देखो इसको और इसको जब वो कंपेयर करेगा वो देखेगा कि चलो पहला करेक्टर तो इक्वल है बट दूसरा करेक्टर देखा जाए तो दूसरा एलिमेंट देखा जाए तो ये वन है और ये जीरो है तो मिन हीप क्या करेगा जो सबसे छोटा है उसको टॉप पे रखेगा तो पहला एलिमेंट तो इक्वल हो गया तो दूसरे एलिमेंट के हिसाब से वो सॉर्टिंग कर देगा इसकी तो वो क्या करेगा टॉप पर ए ज़ीरो को डाल देगा और यहाँ पर ए वन को डाल देगा क्योंकि मिन हीप के हिसाब से शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये होगा भले पहला एलिमेंट इक्वल है तो वो दूसरे एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट कर देगा ठीक है ओके अब आई यहाँ पर आया अब मेरा बी है तो अब वैसे बी तो ए ए से तो बड़ा है तो बी नीचे आ जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर आना चाहिए इंडेक्स नंबर टू पर है उसके बाद आई यहाँ पर है ये इंडेक्स नंबर थ्री पर है राइट तो फिर ये क्या करेगा इंडेक्स नंबर थ्री है तो उसको वो नीचे डाल देगा इंडेक्स नंबर थ्री ए बी और डी ए टू यहाँ तक क्लियर है उसके बाद आई जब यहाँ पर आएगा तो मैं देखूँगा कि अच्छा एस्ट्रिस्क है तो मैं टॉप वाले एलिमेंट को उठाऊँगा इसको और इसको पॉप कर दूँगा ए कॉमर जीरो को मैंने पॉप कर दिया तो मैं जीरो थ इंडेक्स पर जाके इसको एस्ट्रिस्क बना दूँगा ताकि मैं इसको ना लिखूँ ठीक है फिर आई जब आउट ऑफ बाउंड होगा तो मैं एस कैरेक्टर पर जाऊँ एस स्ट्रिंग पर जाऊँगा और सबको लिखना स्टार्ट करूँगा एस एस्ट्रिस्क वाले को छोड़कर कर तो मुझे मिलेगा ए बी ए जबकि ये गलत आंसर है राइट right? है ना यार ऐसा क्यों हुआ क्योंकि देखो हमने डिलीट किसको किया जीरो इंडेक्स वाले ए को डिलीट कर दिया जबकि हमको हमें किसको डिलीट करना चाहिए था जो सबसे राइट मोस्ट इंडेक्स में जो स्मॉलेस्ट करेक्टर है ठीक है तो इन ए में मुझे किसको, किस को किस ए को पहले डिलीट करना चाहिए था ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए, ए। किस को डिलीट करना चाहिए था जिसका इंडेक्स सबसे बड़ा हो मतलब जो राइट मोस्ट में प्रेजेंट हो ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था ठीक है और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही फिगर आउट कर पाओ गलती करने के बाद ही फिगर आउट कर मतलब बहुत लोग गलती करने के बाद फिगर आउट कर पाएंगे ठीक है तो ये यहाँ पर एक गलती हमें मिली कि अच्छा ये गलत आंसर आ रहा है तो यहाँ से पता चला कि अच्छा इंडेक्स के हिसाब से ऐसे शॉर्टिंग हो चुकी होगी विद इन मिन हीप तो मिन हीप जो शॉर्टिंग करता है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं ठीक है अब आपको याद होगा जब हम प्रायोरिटी क्यू डिफ़ाइन करते हैं प्रायोरिटी क्यू int comma vector of int ठीक है तो ये क्या डिफाइन करता है ये डिफाइन करता है मैक्स हीप अगर हमें इसको मिन हीप बनाना होता है तो कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना मिन हीप को बस यहाँ पर अपना एक आप कंपेरेटर फंक्शन भेज देते हो कि आप सॉर्टिंग करना मिन हीप मतलब हीप के अंदर मेरे हिसाब से तो यहाँ ग्रेटर इंट अगर लिख दोगे तो ये मिन हीप हो जाएगा अगर आप इसको कस्टमाइज तरीके से अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो हीप के अंदर तो ग्रेटर इंट के जगह आप अपना एक कम्पेरेटर फंक्शन भेज सकते हो खुद का है ना तो वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है बट हमें ये तो पता चल गया कि जो कॉम्पेरेटर फंक्शन हम लिखेंगे उसकी मदद से हम हीप को ये बोलेंगे कि भाई अगर पहला करेक्टर इक्वल है जैसे यहाँ पर देखो अगर पहला करेक्टर इक्वल है तो इंडेक्स जिसका बड़ा होगा ना वो टॉप पर आना चाहिए जैसे इंडेक्स नंबर थ्री टॉप पर आना चाहिए था और अगर पहला करेक्टर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो जो करेक्टर स्मॉलेस्ट है उसको टॉप पर रखना ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या हमने क्या डिसाइड किया कि अगर स्मॉलेस्ट करेक्टर है तो वो टॉप पर रहेगा ठीक है थीके? और अगर इक्वल है स्मॉलेस्ट करेक्टर ठीक है देन लार्जेस्ट इंडेक्स्ड लार्जेस्ट इंडेक्स एट टॉप है ना तो लार्जेस्ट इंडेक्स जो है वो टॉप पर रहेगा यहाँ तक क्लियर है तो अगर उस हिसाब से चलेंगे तो देखो हमारा आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा यहाँ पर फिर से ड्राई रन करते हैं यहाँ पर अगर लार्जेस्ट इंडेक्स वाला टॉप पर रहता तो क्या होता है यहाँ पर ए ज़ीरो यहाँ पर आ जाता फिर ए वन यहाँ पर आता फिर ए थ्री यहाँ पर आता राइट तो इसके बाद हम क्या करते जैसे ही हमें एस्ट्रेस दिखता तो हम सबसे पहले इसको डिलीट मारते हैं टॉप वाले को ए कॉमा थ्री को तो हम क्या करते हैं थर्ड इंडेक्स पर जाके वहाँ एस्ट्रिक्स डाल देते हैं ना थर्ड इंडेक्स पर जाते हैं ये मेरा थर्ड इंडेक्स है इंडेक्स नंबर जीरो वन टू थ्री यहाँ पर जाके एस्ट्रिक्स डाल देते हैं ओके okay? उसके बाद आई मेरा आउट ऑफ बाउंड होता फिर मैं वापस जाता इस अपने एस स्ट्रिंग पर फिर एक एक करैक्टर को लिखना स्टार्ट करता है पहला करेक्टर ए है दूसरा करेक्टर ए है तीसरा करेक्टर बी है चौथा करेक्टर एस्ट्रिक्स है तो मैं इसको नहीं लिखूँगा पाँचवा करेक्टर ऐसी इसको ही मैं नहीं लिखूँगा तो देखो मेरा आंसर आ गया ए ए बी यही मेरा करेक्ट आंसर था राइट ये देखो ए ए बी मेरा करेक्ट आंसर था तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई इससे कि भाई स्मॉलेस्ट करेक्टर है तो वो टॉप पर रहेगा वो हम मिन हीप से संभाल लेंगे लेकिन मिन हीप में हमें इंडेक्स भी डालना पड़ेगा और इंडेक्स डालेंगे तो ऐसा डालेंगे कि भाई जो जो इक्वल अगर स्मॉलेस्ट करेक्टर इक्वल है तो लार्जेस्ट इंडेक्स वाला टॉप पर आना चाहिए तो उसके लिए हमें कस्टमाइज्ड मिन हीप लिखना पड़ेगा है ना और कस्टमाइज़ करने के लिए कॉम्पेरेटर अपना पास कर देंगे मिन हीप को और वो कॉम्पैरटर मैंने क्या बोला कैसा होगा और याद रखना कि मिन हीप में कॉम्पैरटर जब भी लिखते हैं तो स्ट्रक्ट में पास करते हैं उसको स्ट्रक्ट कॉम्प ठीक है और मैं आपको अपना एक गिटहब में रिपोजिट्री भी दिखा दूंगा जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरह आप कॉम्पेटर डिफाइन करते हो मिन हीप के लिए अनऑर्डर्ड मैप के लिए ऑर्डर्ड मैप के लिए एंड एट्सट्रा ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप लिखते हो बोलियन ऑपरेटर एक्चुअली में ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये फिर आप यहाँ पर देखो याद करो प्रायरिटी क्यू में क्या है प्रायरिटी क्यू ऑफ पेयर है ना ये तो दो पेयर के बीच में कंपैरिजन होगा ठीक है तो ऑटो ऑटो ना लिख के यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉमा इंट एंड पेयर वन आएगा उसके बाद दूसरा पेयर आएगा पेयर कैरेक्टर कॉमा इंट एंड पी टू दूसरा पेयर आएगा इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा अभी राइट तो जब कंपैरिजन होगा तो मैंने आपको बताया था कैसे कंपैरिजन करेंगे कि इफ अगर पेयर का पहला एलिमेंट जो है मतलब जो कैरेक्टर है अगर वो बराबर निकल गया दूसरे के करेक्टर के बराबर जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों पेयर को अगर ध्यान दो दोनों का पहला करेक्टर तो सेम है पहला एलिमेंट ए ए है बट दूसरा वाला इंडेक्स है ठीक है तो उस केस में मैंने क्या बोला था कि जो लार्जेस्ट uh, इंडेक्स है वो पहले आना चाहिए तो हम कैसे करेंगे रिटर्न पी वन डॉट इसका इंडेक्स क्या है सेकंड में है को ना पी वन डॉट सेकेंड और दूसरे का इंडेक्स क्या है पी टू डॉट सेकेंड ठीक है तो हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि देखो यहाँ पर दो ए है ना तो जिसका इंडेक्स पहले है मतलब तो बड़ा है वो बाद में आना चाहिए ये रहा टॉप पर आना चाहिए और जिसका इंडेक्स छोटा है वो नीचे आना चाहिए पहले आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अगर इसका इंडेक्स जीरो है और इसका इंडेक्स थ्री है तो अब इस बात है जीरो वाला पहले आना चाहिए ए कॉमा जीरो उसके बाद ए कॉमा थ्री वाला आना चाहिए है ना ये रहा ठीक है यहाँ तक क्लियर है और अगर ऐसा नहीं है तब तो बहुत सिंपल है जो करेक्टर छोटा है वो पहले आना चाहिए तो रिटर्न पी वन डॉट फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन पी टू डॉट फर्स्ट जो करेक्टर छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा मान लेते हैं कि ये मेरा ए है और ये मेरा ई e है ठीक है तो ऑबियस e है ए इज़ ग्रेटर देन ई है क्या नहीं फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर में ई e पहले आएगा मतलब ये जो हीप बनता है ना तो ऑर्डर में ई e पहले आएगा उसके बाद ए आएगा तो देखो ए ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगा यही हम चाहते थे ठीक है इसीलिए यहाँ पर तो ग्रेटर देन का साइन लगाया हमने यहाँ तक क्लियर हो गया तो बस हमने ये कॉम्पेरिटर ही मेन पार्ट था इस प्रॉब्लम का जिसको ये कॉम्पेटर लिखना आता था, था वो बहुत ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे ठीक है तो आई होप ये ड्राई रन भी क्लियर हो चुका होगा जल्दी से कोड करते हैं और उसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका देख लेंगे ओके तो चलो इसका कोड करते हैं सबसे पहले एनिजिकल टू एस डॉट लेंथ हमने निकाल लिया है और हम क्यू डिफाइन कैसे करते हैं प्रायोर्टी क्यू इंट वैक्टर ऑफ इंट कॉम्पेरिटर डालते हैं और पी क्यू ठीक है बट सिंस हमारा प्रायरिटी क्यू में इंट नहीं होगा एक पेयर होगा ना तो मैं पहले ही यहाँ डिफाइन कर देता हूँ टाइप डेफ पेयर ऑफ कैरेक्टर होगा और कौन से इंडेक्स में है वो होगा पेयर ऑफ कैर कॉमाइंड इसको पी से डिफाइन कर लेते हैं ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े तो प्रायरिटी क्यू में हमारा सिर्फ इंट ना हो इंट नहीं होगा इट विल बी अ प्रायरटी क्यू ऑफ पी तो वेक्टर ऑफ पी होगा यहाँ पर और यहाँ पर कंपैरेटर मैंने पास कर दिया है और कंपैरेटर मैं पहले ही यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ना ठीक है पर boolean operator, यहाँ पर ऑपरेटर पी एंड पहला पेयर आएगा पी एंड दूसरा पेयर आएगा और हमें यहाँ कंपेयर क्या करना है कि अगर पेयर का पहला एलिमेंट बराबर हो जाए ठीक है तो हमें क्या करना है रिटर्न पी वन डॉट सेकेंड इज लेस देन पी टू डॉट सेकेंड अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल है कि जो कैरेक्टर पहले छोटा होगा वो पहले आना चाहिए ठीक है पी वन डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन पी टू डॉट फर्स्ट ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया ओके okay, इसके बाद तो बहुत सिंपल है यहाँ पर हमने कंपैरेटर डिफाइन कर दिया फॉर इंट आई इज इकल टू ज़ीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है अगर मेरा आई एथ करेक्टर इज इक्वल टू इक्वल टू एस्ट्रिस्क नहीं हुआ ठीक है अगर ऐसा है कि वो एस्ट्रेस के बराबर नहीं है तो हम तो सिंपली उसको पुश कर देंगे ठीक है एस ऑफ आई कॉमा जो भी इसका इंडेक्स था अगर अगर ऐसा है नहीं है तो इंडेक्स निकाल लेते हैं जिसको हमें डिलीट करना है पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड वाले में इंडेक्स होगा पी क्यू डॉट पॉप कर दिया हमने इंडेक्स क्यों निकाला ताकि एस ऑफ आई डी एक्स में हम एस्ट्रेस डाल सकें ठीक है यहाँ तक क्लियर है और जब बाहर निकलेंगे तो बस एक स्ट्रिंग रिजल्ट बना लो फॉर इंट i इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस दैन एन आई प्लस प्लस इफ एस ओ फाई इज नॉट इक्वल टू एस ट्रेस्क तो रिजल्ट डॉट पुश अंडर स्कोर बैक में एस ओ फाई को डाल दो और अगर एस ट्रेस्क है तो हमको उसको नहीं लेना मतलब वो डिलीटेड है ठीक है रिजल्ट यहाँ पर सबमिट कर देते हैं लेट्स सी इफ एर एबल टू पास द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एन डी डी एस पहले टाइम और स्पेस कॉम्प्लिकसिटी यहाँ पर देख लो यहाँ पर हम सारे कैरेक्टर पर एक बार विजिट कर रहे हैं तो एन लग रहा है यहाँ पर ओ ऑफ एन तो यहाँ लग रहा है लेकिन देखो यहाँ पर हम पुश भी कर रहे हैं ना सॉरी पुश भी कर रहे हैं और पॉप भी कर रहे हैं जहाँ पर कितना लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन लगेगा एन यहाँ पर क्या है मैक्सिमम ये साइज ऑफ दी क्यू है ना यहाँ पर लिख सकते हो लॉग ऑफ साइज़ ऑफ क्यू जिसको मैं वर्स केस में एन मान के चल रहा हूँ ठीक है तो एन लॉग इन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और या ये वाला जो फॉर लूप है इसमें भी ओ ऑफ एन ही लग रहा है तो वर्स्ट केस क्या हो गया ओ ऑफ एन लॉग इन यानी कि ओ ऑफ एन लॉग इन में हमने इसको सॉल्व कर दिया है अलग से हमने स्पेस तो लिया है प्रायोरिटी क्यू का ओ ऑफ एन स्पेस लग रहा है हमारा बट अन लॉग इन इज़ द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डैट वी कैन अचीव आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प सी यू ग नेक्स्ट वीडियो थैंक यू